Hey friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लाई हूँ आपके सामने जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है. वो चाहे किसी भी एज के किसी भी कैटेगरी के कोई भी इंसान हो उनके लिए वो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब नॉलेजेबल होने वाला है. सो दोस्तों आप अगर मतलब जिसको भी आप जानते हो आपके जो भी नियर एंड डियर ये वीडियो आप जरूर शेयर करना. उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो डेली टू डेली लाइफ हर एक मिनट में हमें यूजेबल है, हर घंटे हमारे साथ हाथ में रहता है और वो चीज़ से हमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है. उसके बिना हमें लाइफ बेकार है, नहीं चलेगी. हर किसी के पास वो चीज़ होता है और वो हमारे लिए मतलब बहुत ही हार्मफुल भी होता है, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं है. एक ही उपाय है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी इस वीडियो में. तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है. तो बात कर लेते हैं कि हमारा इस लॉकडाउन या कोविड आने के बाद सबसे ज़्यादा साथ हमारा कौन दे रहा है? लैपटॉप, कंप्यूटर्स या फिर सेलफोन, मोबाइल्स. तो हमारा बहुत साथ दे रहा है और मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे, दो मिनट में मोबाइल हमारा काम कर देता है. तो दोस्तों मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ कि मोबाइल से हमारे क्या नुकसान है. यूजेबल बहुत है, बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि उससे एक बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. दोस्तों सोचते होंगे कि इतने देर से हम मोबाइल यूज़ करते आ रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ. लेकिन दोस्तों मैं ये बता देती हूँ कि ये जो चीज़ होता है बहुत ही स्लोली स्लोली होता है, पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना बहुत ऐसे डे टू डे लाइफ में जो हमें छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती है कहीं ना कहीं वो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से होता है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. तो दोस्तों बात कर लेती हूँ कॉजेज, क्या कॉजेज है, किस कारण से हमें ये सब चीज़ें होती है. जैसे मैं बोलती हूँ सर में हल्का हल्का दर्द होना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स की वजह से भी होता है. कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. और दोस्तों जो आसानी से नींद नहीं आती, देर रात तक हम जो जागे रहते हैं, किसी को नींद नहीं आती, वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन्स की वजह से ही होता है. या फिर प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी के पास तो मोबाइल फ़ोन रहना ही नहीं चाहिए, बहुत ही हार्मफुल होता है. कभी कभी जो बच्चा कभी कभी विकलांग या फिर मतलब अनहेल्दी पैदा होते कहीं ना कहीं वो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से होता है. इसका और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लो स्पंस, जो बच्चा पैदा करने का क्षमता है वो भी कम हो जाता है. दोस्तों मोटापा होना, आप सोच रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से भाई कैसे मोटा हो सकते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन से और बॉडी से क्या कनेक्शन. पर हाँ दोस्तों मोबाइल फ़ोन से भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिससे शरीर मोटा हो जाता है. जैसे आप किसी भी बंद जगह पे हो, मान लीजिए ट्रेन हो गया, प्लान हो गया, या फिर कार या किसी भी बंद जगह पे हो, वहाँ पर ये रेडिएशन बढ़ने का ज़्यादा खतरा है. तो नॉर्मल प्लेस में जितना रेडिएशन है वहाँ उससे ज़्यादा बंद जगह पे ये रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है. और दोस्तों आपने शायद कहीं न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कहीं पे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ज़्यादा फ़ोन पे मोबाइल फ़ोन पे बात करने से ब्रेन हैमरेज या ब्रेन कैंसर होने का भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है. और दोस्तों हम आजकल देखते हैं कि हर किसी ना किसी को कैंसर की प्रॉब्लम होती है, जिसके बैड हैबिट्स नहीं तो उनको कैंसर कहाँ से होगी. तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही कारण है जिससे कैंसर पैदा होती है. मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर का भी मतलब कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होने का बहुत ज़्यादा संभावना है. और जैसे मान लीजिए ना, अब जैसे आपने पैंट के या शर्ट के जेब में रखा, पूरे दिन इसे लेके घूमोगे तो वो आपके शरीर में कितना ज़्यादा नुकसान करेगा. कभी जैसे सर दुखता है या फिर आँखें जलने लगती है, आँखों से पानी गिरता है, कभी चिड़चिड़ापन, ज़्यादा गुस्सा आना, तो ये सब का कारण मोबाइल फ़ोन से ही है. तो लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो गए, हम कितनी भी योगा, एक्सरसाइज, अच्छा हेल्दी फूड वगैरह हम कितनी भी कंज्यूम क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन को डेली वन मिनट के बाद ही हम मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ पे लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. तो दोस्तों इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है. जैसे बोला जाता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करो तो बेहतर है, लेकिन आजकल काम ऐसा हो गया कि अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें तो हमारा कोई भी काम चलेगा नहीं. हमें मतलब खाना खाते भी हमें मोबाइल फ़ोन हाथ में लेते. आज के बिजी लाइफ में मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक मिनट में वो हर काम कर देते हैं मोबाइल. तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये नहीं कि उसे आप ज़्यादा कम यूज़ करो या फिर उसे दूर रहो, ये सोल्यूशन नहीं है. दोस्तों इसका सोल्यूशन एक ही है, एंटी रेडिएशन चिप, जो आपको मैं बहुत ही अच्छे डिटेल्स में आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है. एंटी रेडिएशन चिप एक ऐसा चिप है जिससे आपके मोबाइल में जो रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, उसको आपको अलग नेचर में बदल के उसका नेचर अच्छा कर देते हैं. तो दोस्तों मैं क्लियरली आपको पूरा डिटेल्स में बताती हूँ. तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ. जैसे हम मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बुकलेट या फिर एक मैनुअल मिलता है जिसमें कुछ क्यूरेशन लिखा होता है. जैसे हम कोई क्रीम या फिर मान लीजिए कोई फेस पैक हम खरीद के आए तो उस फेस पैक को कैसे अप्लाई करना, क्या इंग्रेडिएंट किस तरह से यूज़ करना, वो सारा लिखा होता है और हम पढ़ते. लेकिन हम मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा एक बुकलेट या मैनुअल होता है जिससे हम यूजेबल क्या मतलब डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी होता है जो हम बिना पढ़े हम फेंक देते. तो दोस्तों इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहाँ पर जब हम मोबाइल खरीदते उसमें ही लिखा आता है. मैं आपको एक एक करके 3-4 पॉइंट बताती हूँ. तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, कीप द डिवाइस फ्रॉम योर बॉडी. अब
सोचिए ना, आप अगर मोबाइल अपने बॉडी से दूर रखोगे तो कैसे रखोगे? सोते टाइम भी हमारे हाथ में मोबाइल होना जरूरी है। कोई कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सीने में मोबाइल फोन्स रख देते हैं और वो उनको नींद आ जाती है। खाने के टाइम मोबाइल फोन्स, यहाँ तक कि लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाथरूम में भी मोबाइल फोन्स ले जाते हैं। 99% बाथरूम में मोबाइल फोन यूज ले जाते हैं और उसके अंदर बैठे बैठे यूज़ करते। तो दोस्तों हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते, हमारे बॉडी से हमें अपने हम मोबाइल फोन को अलग रख ही नहीं सकते, तो ये तो हो गया कैंसिल। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देख, फिर जो पॉइंट है टेक्स मोर देन टॉक, मतलब बात करने से ज़्यादा, मोबाइल फोन से बात करने से ज़्यादा आप मैसेज का यूज़ करो। लेकिन ज़्यादातर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉल हो गया या फिर किसी भी चीज़ हम मैसेज करने से ज़्यादा कॉल इतना मैसेज करते, उससे अच्छा फोन पे ही बात करें, तो उसका हम ये भी तो कट हो गया ना कि मैसेज करने से ज़्यादा हम फोन पे ही बात करते, उल्टा हो गया उसका। तो दोस्तों ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों आप जो थर्ड वाला पॉइंट ये यहाँ पर देख रहे हो, तो ये थर्ड वाला पॉइंट में क्या बताया गया कि एक घंटे के अंदर आप सिर्फ 6 मिनट फ़ोन पे बात कर सकते हो। क्या दोस्तों आप खुद से पूछिए, पॉसिबल है? हम लाख कोशिश करें तो भी पॉसिबल नहीं होगा एक घंटे में 6 मिनट बात करना। एक घंटे में कम से कम हम एक घंटा ही बात कर लेते, इतना ही हो जाता है। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों क्या हम मोबाइल फ़ोन को दूर रख सकते? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन बेस्ट मैंने आपको बता दिया, इन्वायरोचिप, एंटी रेडिएशन इन्वायरोचिप। तो दोस्तों इसके डिटेल्स मैं आपको शेयर करती हूँ। दोस्तों मैंने तो नाम ले लिया इन्वायरोचिप का, लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ उससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता। आप मार्केट में शायद ही इन्वायरोचिप मिलता है, और अगर मिलता भी है तो मोदी केयर का इन्वायरोचिप से बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो सबसे हटके होता है। दोस्तों आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं अपना इंस्टा आईडी दे दूँगी, उस पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे हाथ में एक एंटी रेडिएशन चिप है, जो इसका पैकेजिंग बहुत ही रॉयल जैसा है। आप देख पा रहे होंगे इसके पीछे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। और ये इतना सा ही छोटा सा क्यूट सा आता है एंटी रेडिएशन चिप, और इसमें पूरा जो भी मतलब जैसे कैसे यूज़ करने क्या नहीं सारा डिटेल्स है। मैंने यह पैकेजिंग है, फिर उसके बाद में एक मोबाइल फ़ोन पे मैं आपको यहाँ पर ये लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसका क्यूरेशन, इसका क्या डायरेक्शन है, क्या यूज़ेबल है, क्या अनयूजेबल है। इस छोटे से इन्वायरोचिप में एक सिलिकॉन सर्किट नाम का चीज़ होता है, जो हमारे रेडिएशन को, हार्मफुल रेडिएशन को नेचर के साथ मिक्स मैच कर देता है। फोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम का रेडिएशन निकलता है वो बायो फ्रेंडली नहीं होता दोस्तों। जैसे कि बायो फ्रेंडली कैसे नहीं होता, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इंसानों के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब हमारे लिए बायो फ्रेंडली नहीं होता है। और वो रेडिएशन निकलता है तो वो हमारे पूरे नेचर के लिए मतलब हानिकारक होता है। क्या होता है कि जो आप इन्वायरोचिप पीछे लगा रहता है, तो आपके जो मोबाइल से, जो लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन निकल के आपको बायो फ्रेंडली कन्वर्ट कर देता है और नेचर के साथ मिक्स मैच कर देता है। सो दोस्तों ये काम करता है हमारा मोदी केयर का इन्वायरोचिप। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस इन्वायरोचिप को कहाँ कहाँ सर्टिफाइड किया गया और कौन से लैब में टेस्टेड किया गया। ये टेस्टेड बाय मैक्स हेल्थ केयर इंडिया। तो दोस्तों जो इंडिया का ना बहुत बड़ा लैब है, उसमें टेस्ट किया गया कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद सर्टिफाइड बाई डीबी टेक्नोलॉजी यूके, यूनाइटेड किंगडम के भी लैब में ये चीज़ टेस्ट किया गया। फिर उसके बाद रिजल्ट पब्लिश इन जर्नल्स ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए। तो दोस्तों यूएसए में भी ये चीज़ टेस्ट किया गया है। ये प्रोडक्ट इतनी मतलब बेनिफिशियल, इतना हमारे लिए अच्छी चीज़ है जो हर इंसान को ज़रूरत होती है। फिर दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट में उसका देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्क टू योर हार्ट। तो मोबाइल फोन आपके हार्ट के लिए भी रिस्क होता है। लार्ज स्पर्म काउंट, स्पर्म में जो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाता है उसके लिए भी हानिकारक। ब्रेन टर्मरिक एंड कैंसर, रिस्क टू चिल्ड्रन। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मोबाइल फोन हमारे चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो दोस्तों क्यों आप जो भी हो, जिसको भी आपके जो भी मतलब खास है, आप खास क्या, हर इंसान को आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी लोग हैं उनको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है और हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं मोबाइल फ़ोन से बचने के लिए। मोबाइल फ़ोन तो हम जब तक नहीं मरेंगे तब तक हम इसे यूज़ करते रहेंगे। दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते, मोबाइल फ़ोन में लगा के दिखाऊंगी। और दोस्तों ये एक बार खरीद लेना, फिर बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने खरीदा वो लाइफ टाइम चलेगा, कहीं ख़राब नहीं, वाटरप्रूफ है, लाइफ टाइम चलेगा। आप इसे कवर के ऊपर भी लगा सकते हो, कवर के अंदर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम एक जैसा ही करेगा। कवर के अंदर लगाने से क्या होता है कि वो फुला फुला रहता है, इसलिए मतलब कवर अच्छे से अटैच नहीं होता। कवर के ऊपर से भी आप लगाते हो ना तो वो भी बेस्ट रहता है। तो दोस्तों मैं एक मोबाइल फ़ोन में एक इन्वायरोचिप लगा के आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। ओके, तो दोस्तों इस इन्वायरोचिप को मैं अनपैक करूंगी और मेरे पास एक मोबाइल है उसके ऊपर मैं इस मोबाइल उसे अटैच करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसे मैं खोल लेती हूँ। तो ये बहुत क्यूट है, छोटा सा है, बेबी जैसा।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल का जो अपर साइड है उसमें आपको ये चिप लगाना है, क्योंकि नीचे लगा तो इतना ज़्यादा रिजल्टेबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आप जैसे ये मान लीजिए ये कैमरा है, तो इसके ऊपर ये फिंगरप्रिंट का वो है, तो इसके ऊपर यहाँ पर आपको अटैच करना है, मतलब ऊपर का साइड। दोस्तों फिर यहाँ पर ये चिपकाने वाला है, आप इसे किसी और मोबाइल कोई और जैसे मान लीजिए कोई नया मोबाइल खरीदा तो उसके ऊपर भी आप इसे चिपका सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर ये इनवाइल चिप लगा दिया है, अब ये मोबाइल एकदम सेफ है, कितना टाइम भी यूज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्लीज़ आप किसी को जानते तो ये वीडियो जरूर शेयर किए, ताकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रोडक्ट आपको लेना है तो बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, वो भी बताइए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे कुछ नॉलेजेबल यूजफुल चीज़ों का आप मैं वीडियो लाते रहूँगी दिन ब दिन। और आप कैसा वीडियो चाहते हैं इसका भी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे आपको कमेंट कर सकते हो, उसके बाद लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले टाइम पर बहुत ही यूजफुल बहुत ही यूनिक एक वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।